हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर दीपेश सुतार। अगर आप आरबीएससी, सीबीएसई, बीकॉम के स्टूडेंट और साथ ही साथ इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो फॉर गेटिंग ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज न्यू टॉपिक। सर ये बताओ, तुम यहाँ पर बैठे हो के बैठे थे के बैठे होंगे, तो ये कौन सा टेंस है? टेंस है। बताओ, अपन जब यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, सर बाहर थे, सर अभी कहाँ पर है? सर अंदर है। और सर, हम थोड़ी देर बाद कहाँ पर होंगे? अपने घर पर होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में तीन तरह की बातें होती है। कितने तरह की? या तो वो होगी अभी की, अभी मतलब बोलो वर्तमान, प्रेजेंट टेंस। बोलो प्रेजेंट टेंस। अगर वो बात हो रही है पुरानी, यार मस्ती के लिए भविष्य की बात है तो पास्ट टेंस। कल तो मैं स्कूल नहीं आऊंगा, कल तो मैं तेरे को मारूंगा, कल तो मैं तेरी गाड़ी क्या हो रहा है, हाँ कल तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ लूंगा, वो वाली बात है। देखो तो सही, कल तो देखो ना। अब यहाँ पर सुनना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन तरह की बातें। अब इंपोर्टेंट बात सुनना, टेंस कोई भी नहीं सीख लिया ना तो तरीका पता चल जाएगा कि जिंदगी में सेंटेंस कैसे बनते हैं। तुम्हारे मन में खाली मैं यहाँ पर सबसे मेन टेंस ले रहा हूं, पहला जिसमें आपने गलती की थी, बात को याद हो तो उस टेंस को मैं लेता हूँ, ध्यान देना। लेकिन उसको थोड़ा बाद में, पहले सबसे इजी लेता हूं। प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, अब ध्यान देना, बोलो हम घर जा रहे हैं। बोलो हम जा रहे हैं। समझ आ रहे हैं? बहुत ध्यान देना, खाली एक सेंटेंस से पांच पांच बनेंगे और कैसे बनते हैं ये सीखोगे। पहले तो तुम गलतियां भी देखना। बोलो हम जा रहे हैं। इसे बोलो बच्चों, बोलो हम नहीं जा रहे हैं। इसे बोलो, इसे बोलो, बोलो क्या हम जा रहे हैं? क्या हम जा रहे हैं? इसे बोलो क्या हम जा रहे हैं? इसे बोलो क्या हम जा रहे हैं? अब ध्यान देना, बोलो हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? इसे बोलो हम कहाँ जा रहे हैं? इसे बोलो हम कहाँ जा रहे हैं? अब बोलो हम क्यों जा रहे हैं? हम क्यों जा रहे हैं? इसे बोलो हम क्यों जा रहे हैं? इसे बोलो हम क्यों जा रहे हैं? अब जरा है ना, कोई भी बालिका सेंटेंस बताओ ना, हम जा रहे हैं। वेरी गुड, एक जगह ध्यान देना, वी आर गोइंग, हम नहीं जा रहे। yeah, yeah, yeah. बोलो बोलो yeah, yeah. अब कोई नहीं बोलेगा नेक्स्ट वाला, ठीक है? We are not here. लास्ट वन डियर, आप वाले बात, क्या हम जा रहे हैं? बोलो, कोई नहीं बोलेगा, बोलो बोलो बोलो। जिंदगी बहुत आसान है, अपन को बचपन में क्या हुआ बेटा, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, बालिका बोलो, बोलो वेरी गुड, बोलो बराबर, आर वी गोइंग, बोलो फिर से, बोलो आर वी गोइंग, फिर से बोलो आर वी गोइंग। अभी देखो और बाकी है, बोलो हम कहाँ जा रहे हैं? रुको 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 रुको, बोलो वेयर आर वी गोइंग, खाली तुम बोलो वेयर आर गोइंग, वेयर आर गोइंग। अब गलतियां होनी शुरू, वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी गोइंग। नेक्स्ट, हम क्यों जा रहे हैं? एक मिनट बालिका बोलो, कोई नहीं बोलेगा, बोलो हम क्यों जा रहे हैं? नो वन विल लिसन, हाँ ठीक है बोलो, एक मिनट, वाई, वाई आर वी गोइंग, वेरी गुड। अब एक्चुअली क्या होता है पता है, दो तीन होशियार बैठते हैं ना तो उनके चक्कर में छोटी का भी काम हो जाता है, मेहरबानी हो जाती है अपने भाई, अपन भी भाई भी देते क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ? ऐसे बोलोगे, बोलोगे ना, मतलब
बोलोगे ना वो टीचर क्या बोलेंगे, हाँ आप कक्षा में आ सकते हो, क्या वो खाली ऐसे बोलेंगे आया ना, हाँ या ना, बिना क्लियर हो रहा है। बोलो लाइफ में जब भी कोई सवाल क्या से आएगा तो उसका जवाब हाँ या ना में होगा, और जब भी कोई सवाल क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब सुनना, कैसे सुनना, पहले ध्यान देना। बोलो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बोलो आई लव यू। अरे ये भारी हो गया ना। बोलो आई हेट यू। ये ठीक है तुम्हारी। बोलो फिर से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अब रुकना, एक्चुअली ये भारी हो, इसमें कहीं पर थोड़ा हेल्पिंग ऑफ नहीं है, इसमें छुपी हुई है हेल्पिंग ऑफ। ये भारी हो जाएगा। बोलो जब भी क्या आएगा तो हेल्पिंग ऑफ से शुरू होगा। पक्का पक्का। अब सुनना, उसने खाना खा लिया है। बोलो फिर से। बोलो उसने खाना खा लिया। वो ही नहीं बोलेगा बालक, आप बोलना चश्मे वालों, उसने खाना खा लिया है। अरे खड़े नहीं होना, उसने खाना खा लिया है। उसने खाना खा लिया। आप बोलो पहले रेड वाले। यू स्पीक अप। बोलो ना देर। आप बोलो आईफोन वाले। आप आईफोन वही ना मालिका। अब आप बोलो डियर। फिर से बोलो। देखो ये बालिका ने कितना कंफर्म किया, उसने यहाँ पर उसने लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। वेरी नाइस डियर। ही, मैं यहाँ पर लड़का मान लू, ठीक है। ही हैज, आगे बोलो। ये तो लगता है लाइफ में याद रखना, ये अपने इश्यू है, टेंशन मत लो। अपने स्कूल में ये तो अपने सब जगह यही दिक्कत है। ही हैज ईटन फूड, क्या होगा। मगर अब रुकना, तुमने सेंटेंस तो सीख लिया, अब अगर जिसने यहाँ पर ध्यान दिया होगा वो इसको बना पाएगा कैसे, सुनना। बोलो उसने खाना नहीं खाया है, जल्दी बनाओ, क्या होगा। He has not eaten food. बोलो किसे। बोलो अब सुनना, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, किसी की माता ने पूछा, उसकी मम्मी ने पूछा, क्या उसने खाना खा लिया है। बोलो तो सवाल क्या होगा। मैंने क्या बताया था, जब भी बोलो कोई सवाल क्या से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब को आगे रख लो। तो बताओ इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। सिर्फ और सिर्फ इसको आगे रखना है, कोई लोड नहीं लेना, एकदम इजी है। बोलो हैज ही ईटन फूड। लेकिन अब यहाँ पर एक फर्क है, ध्यान देना। ही हैज ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है। Has he eaten food? बोलने में आपके चेहरे पे भाव दिखना चाहिए, आपके जब आप बोल रहे हो तो वो दिखना चाहिए कि आप उससे सवाल पूछ रहे हो। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है। किसी को थप्पड़ मार के बोलो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं हो सकता ना, अपोजिट हो गया ना। वो भाव आपको उस सेंटेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट, क्या उसने खाना खा लिया। फिर से बोलो प्लीज। बोलो Has he eaten food? बोलो Has he eaten food? अब जाओ, उसने खाना कहाँ खा लिया है। अब बोलो, अब बताओ कहाँ को, सुनना शॉर्ट में। बोलो जब भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड सवाल में आ जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखो। बस अब आगे कोई नियम नहीं सुनना। बताओ यहाँ मैंने क्या पूछा, उसने खाना कहाँ खा लिया है, कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर। बस सिर्फ उस वेयर को आगे जोड़ दो, बाकी यू का यू। वेयर हैज ही ईटन फूड, बस ये दिमाग में रखो। अब इसका कारण एक और बस बात सुनना, उसने खाना, बोलो उसने खाना क्या खा लिया है। अब इंपॉर्टेंट बात, वो क्या अलग है, ये क्या अलग है। यहाँ पर पूछ रहे डिश, तो उसने क्या की आइटम, कोई चीज। तो अब बताओ ये क्या, कौन सा बताओ, ये क्या वर्ड वाला है, कौन सा है। तो बताओ सवाल क्या बनेगा, व्हाट हैज ही ईटन फूड। पक्का क्लियर है। पक्का yes. आगे बढ़ू मैं yes. तो आप हमेशा ध्यान रखना लाइफ में जब भी कोई सवाल, अगर तुम्हारे पैसेज में 12 बोर्ड का बता रहा हूं, अगर कोई पैसेज का सवाल आ रहा है जिसमें डू डज
इज आर एम हैज हैव हैज बीन हैव बीन विल हैव विल बी शैल बी हैड हैड बीन डिड वाज वर हैड हैड बीन कोई भी स्टार्टिंग में आया है तो उसका उत्तर या तो यस में देना या नो में देना, बाकी उसका कोई उत्तर नहीं देना, उसका उत्तर यस या नो में होगा। लेकिन अगर कोई सवाल व्हाट व्हेन व्हाई हाउ वेयर हाउ मच हाउ फार हाउ लॉन्ग ये वर्ड आए हैं, मैंने बताया था पहले व्हेन आएगा तो ये रहेगा वगैरह समय आएगा, तो उस समय आंसर अलग होगा, उस समय आंसर यस या नो में नहीं होगा। पक्का क्लियर है? याद रखो आज की क्लास में याद रखो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बाय द वे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।